नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं अभी मल्लीताल फ्लैट्स पे, और यहां पे जो कि क्रिकेट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो यहां पे जो कि क्रिकेट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, और इधर की तरफ अगर आप देखें तो मेरे बैकग्राउंड में नगर पालिका है, और इधर की तरफ जो कि है लोग धूप सेक रहे हैं और क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं। और उसी के बगल में अगर इधर की तरफ देखें तो DSA फ्लैट्स है मैदान, और ये सारा और DSA का ऑफिस है। और इधर जो इधर की तरफ देखें तो जामा मस्जिद है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है मल्लीताल नैनीताल में। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। तो आइए अगर इधर की तरफ देखें तो आप ये बोर्ड देखेंगे कि सावधान, गहरी सीवर लाइन कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पे ये गहरी सीवर लाइन का कार्य भी चल रहा है। और इसी के सामने अगर देखें तो यहाँ पे जो कि मैं आपको कल भी ये एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि माउंटेनियरिंग बारापत्थर से था, और वहाँ पे भी सेम ही ऐसी ही रॉक है जो कि आर्टिफिशियल, जो कि ये आउटडोर्स क्लाइंबिंग जो कि रॉक है, और ये बनाई जा रही है यहाँ पर भी। तो कुछ ऐसा यहाँ पर काम चल रहा है। और इधर की तरफ देखें तो सामने जो कि है श्री राम जी का भगवा जो कि झंडा है वो लहरा रहा है, और उधर की तरफ गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर है। और सामने ही इसके पीछे जहाँ गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं मैदान में, न्यू क्लब है और कार पार्किंग है। तो ऐसा कुछ है नज़ारा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आइए एंट्री कर ली है हमने जो कि लुंडा मार्केट का एरिया है, और अभी ये मार्केट यहाँ पे लगी नहीं है, जो कि ये मार्केट शाम को 4 बजे से जो कि इसका टाइमिंग है, और शाम के 6 बजे तक इसकी जो कि टाइमिंग है वो शाम को ही ये ओपन होती है मार्केट। और इधर की तरफ अगर आप देखें तो चाय सट्टा बार है और दपहाई स्टोर है। तो आइए आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सामने ही जो कि पार्क है और बैंड स्टैंड है मल्लीताल। और नीचे उतरते ही इन सीढ़ियों से तो आप देखेंगे सिनेमा का जो कि टिकट काउंटर है यहाँ पे, और यहाँ जो कि सिनेमा हॉल है आप यहाँ से टिकट्स बुकिंग कर सकते हैं। और वन ऑफ द फेमस जो कि चाय सुबार में कूलर की चाय मिलती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है। तो आइए इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ले लो। और बैलून नहीं चाहिए भाई, वह कॉफ़ी दिला दो फिर। एक्चुअली यार तुम अपना काम करो ठीक है ना, किसी और से मांग लेना। तो ये गैलेक्सी जोन है 12B करके। तो इधर की तरफ चलेंगे, सामने ही चलते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो कि है धूप सेक रहे हैं, सारे प्लान कैंसिल कर दूंगा मैं, और धूप का एकदम आनंद उठा रहे हैं। दिन की दुनगुनी धूप है, जो कि आज नैनीताल का जो कि टेम्परेचर है वो 6 डिग्री अराउंड है डे में मैक्सिमम। और ये सामने आप देख सकते हैं विजिटिंग पार्लर है। तो आइए मैं आपको आज इधर की तरफ ले चलता हूँ, जो कि ये कॉर्नर है, ये काफ़ी ही जो कि टाइम बाद यहाँ पे खुला है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। और स्टार्टिंग में इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो कि फूड ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉइल कॉर्न रखा है, ये सब है यहाँ पे। तो ये जो स्केटिंग हॉल है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ही समय बाद जो कि खुला है, और आप ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो कि है जो कि लर्निंग चल रही है, जो कि ये बच्चे स्केट्स भी कर रहे हैं और बड़े भी हैं एज वेल एज यहाँ पे हर सभी ग्रुप का जो कि स्केटिंग जो कि ये कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे जो कि है स्नूकर का जो कि प्रशिक्षण भी यहाँ पे चलता है। तो आप इधर की तरफ देखें तो यहाँ स्नूकर जो कि टेबल्स हैं वो ऊपर अवेलेबल है, और यहाँ पे जो कि स्नूकर का जो कि आप प्रशिक्षण आपको देखने को मिलता है, और ये आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से आज से मतलब लगभग 10-15 साल से भी पहले मैं जब यहाँ पे बचपन में यहाँ स्केटिंग सीखा करता था, तो ऐसा कुछ है ये। और ये बैक साइड से भी खुला है, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आइए आपको बैक साइड से एंट्री करके देखते हैं, वहाँ पे कैफ़े भी है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स बता दूँ, यहाँ पर जो कि पूल भी है और साथ के साथ स्नूकर है, और इनका यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ के सामने की तरफ से निकलते हुए यहाँ से हम चलते हैं बैक साइड में, और जो कि ये वीडियो गेम पार्लर है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है इसका। और आइए, क्योंकि ये बैक साइड से काफ़ी समय बाद ये एरिया खुला है,
और ये बहुत ही एकदम मतलब शानदार है। और अभी मुझे यहाँ पे नज़र आया कि यहाँ पे जो कि ये लगाया गया है पार्टीशन, क्योंकि डिस्टर्बेंस रहता है काफ़ी जब उधर की साइड से आते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी शानदार जो कि यहाँ पे कैफे है। और यहाँ पे जो कि आप सेटिंग प्लेस देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे बैठने का काफ़ी अच्छा ही एकदम अरेंजमेंट किया है। और जो कि पूल डिपार्टमेंट के लिए आप ऊपर से देख सकते हैं, सामने ही अंदर जो कि स्नूकर का और पूल का प्रशिक्षण भी चल रहा है। हेलो, हाय, कैसे हैं भैया आप? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में? हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, मैनेजर हैं आप यहाँ पे? जी जी, आपका शुभ नाम दादा? सिद्धार्थ जी, जी। अच्छा, तो ये अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में ही देखा था कि ये ओपन हो गया है जी जी। और ये काफ़ी ही अच्छा एकदम ओपिनियन है और एकदम अच्छा प्रयास है। तो ये काफ़ी साल पहले खुला करता था? जी सर, 3 साल पहले से ही बनता है। एक्चुअली जी जी, जो लाइब्रेरी का काम चला था ना जी जी, अच्छा, तो उनका यहाँ सामान रखा गया था पाली जी जी जी, हमने से कुछ टाइम के लिए बंद किया था जी जी, फिर अभी इसको दोबारा ओपन किया है जी जी। तो उसमें स्केटिंग स्टार्ट किए, टेबल लगाया मनोरंजन के लिए जी, और साइड में कैफेटेरिया जी 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 जी, बहुत अच्छा जी सर, जी थैंक यू। आगे भी कुछ गेम्स और जोड़ेंगे जी जी, अच्छा अच्छा, मनोरंजन की और चीज़ें इसमें बढ़ेंगे। राइट राइट, लोकल और कस्टमर्स भी जी 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 जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, चलिए सर जी जी। इसमें मनोरंजन में मैंने दो स्कूगर और एक कूटे भी डाला है जी, जो लोग अभी मेरे साथ हैं काफ़ी अच्छा लोग इन्जॉय करते हैं जी जी। और इसमें हमने उसमें सिखाने के लिए भी रखे हैं, एज वेल एज इसमें लर्न भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। दो जने हैं, एक मिस्टर वो दिखा उसमें सिखाते हैं, नीचे एक लड़का है रजत, वो सिखाते जी जी। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा है सर ये आपका जो भी प्रयास है। और आप देख सकते हैं ये दो तो जो कि स्नूकर टेबल हैं, बड़ी टेबल है, और ये पूल टेबल भी फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिक जो होता है सीखने के लिए इसी से सिखाया जाता है, छोटी टेबल पूल, ओके जी जी, स्नूकर से ही सिखाया जाएगा, छोटी टेबल तो लोग इसमें इजीली जी जी। अच्छा ये जी, जो भी आ सकते हैं हम सिखा भी सकते हैं, और जिनको आता है वो खुद आ सकते हैं जी खेलने के लिए। राइट राइट, और ये मैं देख पा रहा हूँ एकदम अभी ब्रांड न्यू ही है ये जी, और ये काफ़ी शानदार देख सकते हैं, यहाँ मैच चल रहा है सामने और ये भैया लोग खेल रहे हैं। तो आइए एक आध शॉट दिखाते हैं व्यूअर्स को। तो थैंक यू सो मच दादा, और जी 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 जी, जी 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 जी, जी हैप्पी न्यू ईयर, और आप जी जी थैंक यू। और अगेन मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ, आपने थोड़ा सा समय निकाल के जो कि व्यूवर्स के लिए आपने महत्वपूर्ण जो कि जानकारियाँ यहाँ से दी हैं, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। तो आइए फ्रेंड्स, मैं बाहर आ चुका हूँ, और आप इधर की तरफ अगर देखें तो इस एरिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि है ये लेक किनारे, बल्कि यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। तो ये एरिया भी फ्रेंड्स काफ़ी ही जो कि डेंजर जोन कहलाया जा सकता है, नहीं मतलब ये डेंजर जोन ही बोला जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं अभी जो कि ज़मीन है यहाँ से धस रही है नीचे की तरफ, और ये कब लेक में ये फॉल हो जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं तो कुछ ऐसा है, और इधर की तरफ ही आप अगर देखें तो यहाँ से बैंड स्टैंड को रास्ता जाता है जो कि काफ़ी ही समय से काफ़ी ही महीनों से जो कि बंद है। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ अगेन यहाँ से अंदर, क्योंकि इसका जो कि वॉल अभी तक जो कि रिपेयरिंग नहीं हुआ है और ये टूटता ही जा रहा है, बस लेक में ही चला जा रहा है। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं जो कि लिंडा मार्केट में, ये चिल्ड्रन पार्क आप देख सकते हैं। तो आज इसका गेट मैं ओपन देख पा रहा हूं, तो आइए इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं जो कि नैनी लेक का क्या ही शानदार नज़ारा है, और इधर की तरफ आप देखें तो बैंड स्टैंड है और यहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो आइए इधर की तरफ से आपको एक राउंड में ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो कि स्विंग है झूला, और काफ़ी ज़ोर से झूल रहे हैं भैया, और तो इस तरीके का है। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और फर्स्ट टाइम ही मैं जो कि इसके अंदर आ रहा हूँ पार्क के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। तो आइए मैं आगे से इधर से चलते हैं, और मैं आगे से आपको दिखाता भी हूँ कि इधर की तरफ क्या हाल है जो कि वॉल का। सामने ही आप देखें तो यहाँ पर कैपिटल सिनेमा जो कि हॉल है,
और ये जो काफ़ी यहाँ पे जो पहाड़ी स्टोर है और काफ़ी शॉप साहब है आप देख सकते हैं, और ये सिनेमा हॉल भी है एज वेल एज जहाँ हम अभी गए थे। तो इधर की तरफ देखें तो ये पार्क का जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ही एरिया है, और मुझे छोटी मोटी यहाँ पे जो कि है गंदगी भी थोड़ी सी है तो सफाई हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो मेन पर्पस फ्रेंड्स मेरा यहाँ अंदर आपको तो मैं देख पा रहा हूँ ये भैया सफाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भैया सफाई कर रहे हैं। तो मेन पर्पस मेरा आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लाने का ये है कि इधर की तरफ, तो आइए इधर से मैं आपको लेके चलूँ। तो इधर से जाएंगे, वैसे मुझे डर लग रहा है यहाँ पे भी आने में। तो ये अगर आप देखें तो इसमें इधर की तरफ से भी अभी भी दरार भी है, और ये वॉल पूरा देख सकते हैं यहाँ से नीचे गया है, तो इसीलिए यहाँ पे मना किया जा रहा था यहाँ पे आना। और ये अभी भी बहुत ही रिस्की जोन है जहाँ पे हम इवन मैं खड़ा भी हूँ, तो अगर ये कभी भी एकदम ना टूट के तालाब में समा सकता है। तो इसकी रिपेयरिंग अभी तक काफ़ी ही समय से, मतलब ये 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है ये ऐसा ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये एरिया पूरा बंद था आज। तो लकीली ये जो कि पार्क है वो खुला हुआ है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए बंद है ये। और इधर की तरफ जो कि है ये जो कि बैंड स्टैंड रहा मलिकाल का, तो ऐसा कुछ है। तो आइए अगेन अंदर कंटिन्यू करते हैं पार्क में, और यहाँ पे धूप तो देखिए काफ़ी अच्छी है और लोग यहाँ पे देखने आए हैं धूप, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो आइए चलते हैं पार्क से बाहर। तो आइए फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी जो कि पर्ल मार्केट है और इंडा मार्केट है, और मैं हम जा रहे हैं मलिकाल जो कि बोट स्टैंड है, रोइंग बोट स्टैंड। आइए वहाँ से आपको लेक का व्यू दिखाता हूँ और ऐसा कुछ है। तो यहाँ से ये नहीं सर बोट, तो अब यहाँ से ये देख सकते हैं लेक भी काफ़ी क्या ही शानदार है, और लेक मुझे लगभग जो कि है नाव जो कि रोइंग बोट से भरी ही है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ग्रुप जो कि बोटिंग्स के लिए जा रहा है, और इधर की तरफ देखें तो जो कि ये बोट स्टैंड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो कि बोट्स टिकट घर है बीच में, तो यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। और आप इधर की तरफ देखें तो ये आप देख सकते हैं जो कि ये बोट स्टैंड है, काफ़ी लोग जो कि बोटिंग से आ रहे हैं और बहुत लोग बोटिंग से जा रहे हैं। और सामने की तरफ देखें तो यॉट बोट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं जो कि बोट हाउस क्लब है, ये वो एरिया है। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ से नज़ारा। तो आइए और चलते ही हैं यहाँ पे की तरफ, और यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे जो कि यहाँ पे जो कि कितना रश है, तो यहाँ से कई लोग बोटिंग्स के लिए जा रहे हैं और कई लोग बोटिंग्स के आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम अपनी गारंटी बता रहे छोटे से, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींचते मैं ठीक है। जब तो थोड़ी इधर की तरफ मैं काफ़ी रश देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। और आइए इधर की तरफ चलते हैं। अरे भैया बोटिंग वाला है कोई? और लेक साइड में अभी मैं उतनी देखिए कोई मैं गंदगी देख नहीं पा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए फिशेज आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ गंदगी नहीं दिख रही है अभी, तो ये आप देख सकते हैं तरफ कुछ ये भैया। तो आइए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और आशा करता हूँ मेरा इन्फॉर्मेशनल जो कि आज का वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। और चलिए मिलता हूँ जल्द ही मेरे नए वीडियो में, और तब तक का देखते रहिए मेरे वीडियोस ऐसे ही, और चलिए और तब तक का के लिए अपना ध्यान रखिए।